पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न स्थानों पर बाघ से संबंधित घटनाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के उन स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां पिछले 10 वर्षों में बाघ से संबंधित घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों और गाँव में बाघ की सक्रियता अधिक देखी गई है उन स्थानों पर बाघ सुरक्षा समिति बनाई जाए। उन्होंने कहा बाघ सुरक्षा समिति के सदस्यों को मूलभूत चीजें जैसे टॉर्च, लाइट, डंडे, नेट, जाल आदि सामग्री वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिससे बाघ की सूचना मिलने पर ग्रामीण वन विभाग को जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने कहा इसमें पीआरजी के माध्यम से प्रशिक्षित जवानों को शामिल किया जाएगा जो क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर संभावित खतरे से लोगों को सतर्क कर सकेंगे। पौड़ी से मुकेश भजवेती की रिपोर्ट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक की, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीएम, बीडीओ और पुलिस के लोग थे। और डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद में कंट्रोल रूम बनाया जाना या हमारी जो लैपर पेट्रोलिंग स्टार्ट किया जाना, कुछ क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में लाइट लगवाना या घास या झाड़ियाँ कटवाने के काम को अभी हम लोग प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एडुकेट करने के लिए बाघ सुरक्षा समितियाँ बनाए जाना और वहाँ पे कंटिन्यूअसली वॉच रखवाए जाने जैसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं।